हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 11 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस है और आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट इश्यूज और आर्टिकल्स और फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं और बहुत कुछ सीखने लायक है। आज लेसन थोड़ा सा लेट हुआ है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था सुबह, तो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेंडिंग के ऊपर है। इन कोर्सेज के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा, जो नंबर्स दिए हुए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हो। और महिपाल सर जो एमसीक्यू कोर्स ले रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से पॉजिटिवली चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प है। इन दो नंबर पे आप सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। कोई भी इशू है पेमेंट रिलेटेड वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और पीडीएफ मिलेगा यहाँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसका चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको पीडीएफ मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पहला इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है डिलेस के इशू के ऊपर। किसके? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हमारे देश में क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं और क्राइम्स का रेट बढ़ा भी है। और जिन चीज़ों की वृद्धि हुई है वो नंबर्स हैं कि जिनमें डिमांड है बड़ी जस्टिस की। और इतने सारे जो हैं अंडर ट्रायल्स जेलों में हैं, जेलें कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा जो हैं वहाँ पर रखे गए हैं, तो ऐसे में ये सोल्यूशन तब जब निकलेगा जब जुडिशियल प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। लेकिन उसके लिए हमें जजेस चाहिए। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है हमें। अब जब टीचर्स ही नहीं होंगे क्लास के अंदर तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे? तो यहाँ पर जजेस ही नहीं होंगे तो जो जस्टिस है वो होगा कैसे फास्ट? जो पहले से हैं वो ओवरबर्डन है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाईकोर्ट जो है वो 50% स्ट्रेंथ उनकी जो है वो कम है, और 50% कैपेसिटी के साथ में वो काम कर रहे हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ का 50% पे वो काम कर रहे हैं, तो इतना बर्डन है उनके ऊपर, इसलिए गलती उनकी भी नहीं है। अब सिस्टम है कि जजेस अपॉइंट कैसे होते हो, अपॉइंट होते हैं कलेजियम सिस्टम से। कलेजियम सिस्टम जो है वो प्रिवेलिंग है अभी। NJAC जो 2014 में लाया गया था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि कोई भी इंटरफेरेंस पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर। तो NJAC को पूरा नल एंड वॉइड किया, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पास हुआ था लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो थी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है जो 90s से चल रहा है और वही आगे कंटिन्यू रह रहा है। हालांकि इसमें जितने भी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनकी बात बहुत बार हो रही है और वो ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट उसकी तरह से ही होता है। तो कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर मोस्ट चार जजेस हैं, चीफ जस्टिस भी उसमें होते हैं, वो इसमें रिकमेंड करते हैं जजेस के नाम को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और गवर्नमेंट को भेजते हैं। गवर्नमेंट फिर प्रेसिडेंट को बोलती है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं, और प्रेसिडेंट फिर लास्ट में अपॉइंट करता है जजेस को। ठीक है, ये इश्यू होता है। तो 213 नाम जो हैं वो गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उसमें कॉलेजियम के पास भी ऐसा ही केस है कि पेंडिंग जो है वो लिस्ट पड़ी है। तो 213 जो हैं वेरियस हाईकोर्ट्स के अंदर ये अपॉइंट हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये लटके हुए हैं। क्यों? कुछ गवर्नमेंट के पास में लटके हुए हैं, उन्होंने आगे उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास लटके हुए हैं। रूल ये है कि अगर कॉलेजियम ने भेज दिया लॉ मिनिस्ट्री को, तो लॉ मिनिस्ट्री 3 महीने के अंदर अंदर उसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो है उसको भेजेगी, और जो गवर्नमेंट जो है वो फिर आगे प्रेसिडेंट को भेजते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कब एक्शन लेते हैं और प्रेसिडेंट जो है कब इसके ऊपर अपनी सैंक्शन देते हैं, उसका कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री उनको 3 महीने के अंदर अंदर दे देगी, ये उसमें रूल है। तो इसलिए या तो कॉलेजियम से क्लियर ही नहीं हुए हैं जो रिकमेंड नहीं हुए हैं, या फिर उन पर फाइनलाइज नहीं हुआ है कोई डिसीजन, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एक्शन अभी तक नहीं लिया है। तो जो रिकमेंडेशन जो है जिनके रिगार्डिंग आ चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर उनका जो रिक्रूटमेंट जो है अपॉइंटमेंट जो है वो फाइनलाइज कीजिए। कम से कम जिनका रिकमेंडेशन जो है वो अप्रूव हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम के द्वारा हाई कोर्ट्स के अंदर, तो उनका 6 महीने के अंदर अंदर आप अपॉइंटमेंट पूरा कीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो बाकी है उनका आप कुछ नहीं करोगे 6 महीने में, उनका भी काम होगा। तो ये अर्लीस्ट आपको करना चाहिए। आपको याद होगा जो लास्ट टू लास्ट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे,
जी एस ठाकुर, उन्होंने वो इमोशनल हो गए थे कि इवेंट के अंदर, उन्होंने बोला था कि बहुत सारे जो है लाखों अंडर ट्रायल्स वेट कर रहे हैं लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता क्योंकि इस देश में जजेस की भारी कमी है और ये जो एक अपैती है वो बहुत लंबी चल रही है। लड़ाई एनजेएसी की थी, उसको कैंसिल किया गया, तो गवर्नमेंट को एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इसमें जिसको बोल सकते हैं कि अपना एंगर भी कंट्रोल करना पड़ा और बहुत सारी स्क्रूटनी भी झेलनी पड़ी। वो चाहते थे इसके अंदर जो एनजेएसी हो उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट्स हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा उसको नल एंड वॉइड कर दिया और उसके बाद में जो एक अलग से टाइप की जो एक खींचतान स्टार्ट हुई है कि भाई वो रिकमेंड नहीं कर रहे जल्दी से, और रिकमेंड करते हैं तो उन गवर्नमेंट उनको क्लियर नहीं करती है और जल्दी से उनको अपॉइंट नहीं करवाती है। इस तरह से एक हालत ऐसी आ गई है कि 50% स्ट्रेंथ रह गई है और पिछले 3 साल में 17, 18, 19 के अंदर लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है जजेस के नंबर के अंदर। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो लगातार कमी आती आ रही है उसमें, तो ये डिप्लीटिंग नंबर जो हैं वो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म को बिल्कुल थ्रेटन कर रहे हैं, ये एक ट्रूथ है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है ये कह रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर होता है हमारे सिस्टम के अंदर क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसल्टी है वो, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस कोलैबोरेटिव और इंटीग्रेटेड प्रोसेस होना चाहिए जो जल्दी हो, फास्ट और स्मूथ हो, और गवर्नमेंट उसमें इंपॉर्टेंट कंसल्टी है, लेकिन उसके बावजूद ये अपैथी एक तरह से साफ यहां पर दिखती है। अब ये कह रहे हैं कि लिस्ट मांगी है कोर्ट ने कि जो 213 नाम जो हैं उनकी फाइल कब फॉरवर्ड की गई थी, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, और लॉ मिनिस्टर ने पीएमओ को जो वो फाइल भेजी उसमें कितना टाइम लगा, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी मांगी है क्योंकि ये केस बड़ा ही गंभीर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ध्यान, कई बार ये एलिगेशन लगा कि बिल्कुल ध्यान नहीं है इस चीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट इसको सिंसियरली लेना ही नहीं चाहती है और ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर इस चीज़ को अटकाना चाहते हैं ताकि ये प्रोसेस जो है जस्टिस डिलीवरी का वो बड़ा ही मुश्किल एक तरह से ट्रेंड की तरह एस्टैब्लिश हो जाए। तो ये एलिगेशन लगातार लगते रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर क्योंकि उसमें उनका रोल बड़ा है और ये जो खींचतान जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में है वो बढ़ती जा रही है, जबकि कोऑपरेशन से चलना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं स्टेट के, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, लेकिन यहाँ पर दोनों का ही मामला गड़बड़ है और ज़्यादा एलिगेशन जो है वो जुडिशरी लगा रही है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि ये नाम क्लियर नहीं करते हैं और इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पीएमओ उस पर क्या एक्शन लेता है रिकमेंडेशन पे और कब प्रेसिडेंट एक्शन लेता है इसके ऊपर कोई टाइम का लिमिट नहीं है, इससे पहले के प्रोसेस में टाइम का लिमिट है लेकिन इनके ऊपर कोई टाइम का लिमिट नहीं है, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने ये बोला है कि स्टडीली 17 के बाद में कम होता जा रहा है नंबर, 65 ही जज जो हैं वो 19 में अपॉइंट हुए हैं, 17 में 115 हुए थे, 18 में 108 हुए थे, और 50% जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। 1079 जजेस जो हैं वो सैंक्शन हाई कोर्ट्स के अंदर और सिर्फ उसमें से जो है कुछ 600 कुछ ही काम कर रहे हैं और 410 वैकेंसीज इसमें हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये आपसे पूछ लेंगे, आपसे प्रोसेस पूछ लेंगे इसके बारे में, हमें क्या और जानना जरूरी है इसके बारे में, हमें इसके बारे में जानना जरूरी है जो कलेजियम सिस्टम है वो कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, एक 3 जजेस केस के नाम से एक इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं प्रेसिडेंट है कि वो कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं था, जो 3rd जजेस केस ऑफ 1998 एक ओपिनियन डिलीवर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कब, जब इस कॉलेजियम सिस्टम जो उस टाइम पर 93 से चल रहा था उसके ऊपर केआर नारायण जो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा July 98 में, तब उसका रिस्पांस सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसी को 3rd जजेस केस जो है उस रेफरेंस के नाम से आगे ले जाया गया। वैसे कॉलेजियम सिस्टम जो भी चल रहा है उसका कोई मेंशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और अमेंडमेंट में भी नहीं है, ये सारा एक एस्टैब्लिश्ड इशू है जो कि बनाया गया है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है लेकिन प्रोसेस जो सारी है वो गवर्नमेंट और जुडिशरी के हाथ में होती है। कलेजियम में जुडिशरी के लोग होते हैं और सिर्फ जुडिशरी के ही लोग होते हैं, पॉलिटिकल वालों को अलाउ उसमें नहीं किया गया, इसीलिए एनजेएसी जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, मतलब कि ये गलत है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते, लेकिन उसको इसके कारण कैंसिल कर दिया गया। और उसमें ऐसा भी इशू था कि मतलब जो डिसीजन जैसे होता है कोई, मतलब उसमें वीटो पावर्स वगैरह भी थी और ऐसा कुछ था कि मतलब इनडायरेक्टली एनजेएसी अगर काम करता तो इनडायरेक्टली ऐसा होता कि गवर्नमेंट जिसको नहीं चाहती उसको वो अपॉइंट नहीं करवाने देते, उसका रिकमेंडेशन होता ही नहीं कभी,
ऐसा सिस्टम एनजेसी में था तो उसमें इन्फ्लुएंस था, इसलिए उसको एक खतरा माना जुडिशरी की ऑटोनॉमी के ऊपर और उसको नहीं आने दिया। तीन केस हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूआई इन 1993 और स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998। इन तीनों का केसेस का हवाला इसमें दिया जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केसेस लाए गए थे। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है उसके रिगार्डिंग बहस चली थी, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है उनका कोई से नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस अगर मेंटेन करनी है जुडिशियरी की तो इसमें सिर्फ वही एक होना चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या है और इसकी पॉजिटिविटीज क्या है, इशू ये है, दिक्कत ये है कि इसमें जुडिशियरी के ही मेंबर्स होते हैं। इंडिया में जुडिशियरी की हालत है कि कुछ पर्टिकुलर घराने हैं देश में जिनके अंदर ही अधिकतर जो बड़े बड़े जजेस हैं वो लोग हैं, तो किनशिप का एक बड़ा मुद्दा है कि भाई अपने ही फैमिली मेंबर्स को या किथन किन को उनको जो है रिकमेंड किया जाता है और एक एक्सक्लूसिविटी का सा केस हो गया है इंडिया के अंदर। और जो छोटे दूसरे एरिया से आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल है उन पोजीशंस पे पहुंचना। तो कुछ ही घराने हैं जिनके जो मेंबर्स हैं वो ही देश के सबसे बड़े जजेस हैं और जो अपॉइंट होते हैं। तो ये एक एलिगेशन इसमें लगातार रहा कि भाई वो केथन किन वाला जो केस है वो इसमें लागू होता है। लेकिन एक और इशू ये भी है कि आज तक जो एलिगेशन लगे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें अपहेल्ड की हैं। कमिटेड जुडिशियरी का एक फ्रेज जो चला था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर कि भाई जुडिशियरी को कमिटेड बनाने का प्रयास किया गया कि भाई गवर्नमेंट के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करे मैटर्स को, लेकिन इसको नकारा था उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने और ये ऑटोनॉमी अपहेल्ड की थी। तो ये बड़ा रेस्पेक्टिव रहा है सारा जर्नी जो है सुप्रीम कोर्ट का। बड़े बड़े केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए जो कि प्रेशर के अगेंस्ट थे, कुछ आउटक्राई कुछ और था लेकिन जो अपहेल्ड होना चाहिए था उसी को अपहेल्ड किया। तो रिस्पेक्ट काफ़ी कमाई है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, इसलिए उस पर कोई बड़ा उंगली जो उठाई गई है उसको कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिला है। नेक्स्ट बात ये, इस देश में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, वो रहता ही रहता है और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश लगातार होती है। कितने अकाउंटेबल हैं पॉलिटिशियंस, कितना ज़्यादा वो ईमानदार होते हैं, कितना उन पर करप्शन के चार्जेस नहीं लगते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए ये इशू ही सबसे प्रैक्टिकल कंडीशन है जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का वो नहीं होने दिया जा रहा है इसके अपॉइंटमेंट्स के अंदर, जजेस के अपॉइंटमेंट्स के अंदर, क्योंकि अगर वहां पर करप्शन होगा तो फिर देश बच ही नहीं सकता है। इसलिए कम से कम एक ऑर्गन जुडिशरी ऐसा हो जो पूरा आइसोलेटेड रहे, जिसको कोई हिला नहीं पाए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, ये मुद्दा था। और इसलिए एनजेसी को इन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और उसके बाद में ये एक्सक्लूसिवली चल ही रहा, कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है, जिसका टसल अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार इनकी कोशिश ये थी कि पॉलिटिकली जो प्रोसेस हो सकता था एनजेसी के थ्रू वो अपहेल्ड होता, लेकिन वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का लगातार ये कहना है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होने देंगे, वरना वही एक बचा है और लास्ट रिजोर्ट होता है सबसे वीकेस्ट पर्सन के लिए इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी होप है, अगर वहां पर भी इन्फ्लुएंस होने लग जाएगा तो फिर इस देश को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मीडिया की बात करें एकदम पाताल में जा चुका है। पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिक्स देश की है उसका भी लेवल बहुत ही गिर चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, एक्सेस में गिर चुका है। और इधर जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अपहेल्ड किया हुआ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं। स्टील पिलर वो है और लगातार देश को वो मेंटेन किए हुए, ये बात बिल्कुल सच है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो कई सारे एलिगेशन लगते हैं वो बहुत सारे सही नहीं होते हैं, उसमें वो ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाता है, जो पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो उनके ऊपर डाल दिया जाता है। कोई भी इंसिडेंट होता है उनको सस्पेंड कर दिया, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी करप्ट ऑफिशियल्स भी बहुत सारे पाए गए हैं और वो भी मुश्किलात में है। तो ये जुडिशरी का मजबूत रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो ऐसे ऐसे जो केसेस कुछ आते हैं, कुछ आज अभी जो बड़ी बड़ी प्लीज लगी हुई है, चाहे वो रिव्यू पिटिशन इस अयोध्या वाले मामले के अंदर हो, चाहे वो कोई मामला ट्रांसजेंडर्स का हो, चाहे वो मामला जो है अभी चल रहा है सीएबी का, इसको भी चैलेंज करने की बात आ रही है, ये सब जो मुद्दे हैं इनके ऊपर डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट अगर फ्रीली नहीं ले पाएगा तो फिर देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये सारा इशू है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम लिया है। इसमें देखिए इन्होंने सारा बता रखा है कि कैसे कैसे चला था और सारा टाइमलाइन इसमें दे रखा है, इसको ज़रूर से आप पढ़ें कि क्यों एनजेसी को इसमें नल एंड वॉइड किया गया था और जो
आर्टिकल 124 और 217 को इसमें अमेंड किया गया था, उसके बावजूद इसको क्यों कैंसिल किया गया वो भी इसमें दे रखा है। नेक्स्ट, इंडिया ने प्रपोज किया है डेडलाइन एक्सटेंड करने के लिए क्लाइमेट समिट के अंदर। 2020 का जो सेट है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एंड हो रहा है सेकंड फेज उसका, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने टारगेट पूरे अभी तक किए ही नहीं है, तो स्क्रूटनी उसकी है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। और इधर डेवलप्ड कंट्रीज अच्छा कमिटमेंट दें, ये डिमांड तो डेवलपिंग देशों की खासकर इंडिया के लगातार बनी ही हुई है। और जो एक फाइनेंस अवेलेबल करवाने की बात है वो 2020 तक की थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 2023 तक भी करवा दें तो भी हमें दिक्कत नहीं है, इंडिया ने ये प्रपोज किया है। लेकिन फिर भी स्टेटस को ही बना हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं देना चाहती हैं हेल्प, ये बिल्कुल साफ है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्री 2020 के कमिटमेंट्स थे, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कमिटमेंट क्या था कि डेवलपिंग देशों को फाइनेंसिस अवेलेबल करवाएं, कौन? डेवलप्ड कंट्रीज। तो अभी तक उन्होंने नहीं किया ऐसा, तो वो कह रहे हैं कि 3 और साल हम दे रहे हैं और वो हमें हेल्प करें ताकि हम ये सारे गोल जो है वो कलेक्टिवली अचीव कर पाएं, क्योंकि हमारे पास में कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं और हम सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंडिया का ये कहना है। तो 2500 सेशन चल रहा है, चिली में होना था लेकिन मैड्रिड स्पेन में हो रहा है क्योंकि चिली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन प्रेजिडेंसी जो है वो चिली के पास में ही है। और ये सब कुछ बात है, कल वो भी बात हमने डिस्कस की थी कि जहाँ पर एक इंटरव्यू में ये बोला गया था कि इंडिया में जो जावड़ेकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर भी दुख जताया है कि ऐसा कैसे बोला जा सकता है, इतनी इंपॉर्टेंट बात कि पोल्यूशन का मोर्टेलिटी पर असर नहीं हो रहा, ये बात बहुत ही गलत है, खासकर इंडिया के लिए तो पूरी गलत है। तो ये मुद्दा है। नेक्स्ट, अमिड कंप्लेंट्स फार्मर्स बॉडी टू रिवाइव गाइडलाइंस। अब देखिए इस वाले इशू के अंदर भी क्योटो प्रोटोकॉल का आप पूरा डिटेल निकालना, और जापान में क्योटो सिटी है 1997 में स्टार्ट होता है और फिर इसकी भी COP चलती हैं, इसमें दो फेज चले, एक तो 2012 तक का था और फिर आगे 12 से 20 तक चला, ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसमें इशू लिए गए थे, कीगाली अमेंडमेंट वगैरह भी इसमें इसका हिस्सा रहा था इसके प्रोसेसेस का, और वो ही सारा मुद्दा था। इसमें मेन जिम्मेदारी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ को दी गई थी, NX1 कंट्रीज़ और वो सब आपको याद होगा, ग्रुप्स जो हैं इसका डिटेल अब जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है, NX1 कंट्रीज़ हैं सब कुछ हैं, और ये कब कब जो था वो 2020 में एंड होने वाला था, और उसके आगे एक नया फेज स्टार्ट होगा क्लाइमेट चेंज के इस अरीना के अंदर जहां कंट्रीज़ के कमिटमेंट्स स्टार्ट होते हैं बड़े, तो उन्हीं की बात ये सारी चल रही है। 2020 से पहले कई सारे कमिटमेंट्स थे कि भाई 20 के आगे जो प्रोसेस चलना है उसके लिए सारी तैयारी पूरी करो, फाइनेंसिस वगैरह जो हैं वो अवेलेबल करवाओ और सबको कलेक्टिव एफर्ट 20 के बाद लगाना है। तो ये सारा मुद्दा था। नेक्स्ट, एक इशू जो पहले हमने डिस्कस भी किया था, एक आर्टिकल पूरा डिस्कस किया था इसके ऊपर कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनको फेवर कर रहा है जो सीड बिल है इनडायरेक्टली, और फार्मर्स के इश्यूज को कम लिया जा रहा है, ऐसा ही एक इशू है। देखिए गुजरात में मैंने आपको बताया भी था, उस दिन मैंने गलती से हरियाणा बोल दिया था तो वो मेंशन भी किया था कमेंट के अंदर, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। वो गुजरात का केस था और जिसमें पेप्सिको ने केस किया था कुछ फार्मर्स के ऊपर, उन्होंने ये बोला कि जो लेज का जो चिप्स आता है उनका, और वो वैरायटी कौन सी है पेप्सिको की, FL 2027, ये जो वैरायटी है इसके ऊपर उनका राइट है, अथॉरिटी है, और वो 12,000 फार्मर्स को इसके सीड्स बेचते हैं और फिर ये कहते हैं जो उससे प्रोड्यूस होता है वो फिर वो कंपनी लेती है उन आलू को, तो उसमें वो उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं और बिना कोई जानकारी के उसको रीसो नहीं कर सकते हैं, फिर से नहीं उसको जोत सकते हैं, सब कुछ उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो वैसे इन्होंने इस वैरायटी को जो PPVFR एक्ट जो इंडिया का है 2001 का, जो फार्मर्स के फेवर की बात करता है क्योंकि इसमें एक अथॉरिटी होती है और वो अथॉरिटी कोई भी कॉम्पनसेशन की बात भी करती है फार्मर्स के लिए, और उसमें जो रजिस्टर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्रोडक्शन की IPR की भी बात करती है, तो वो एक बैलेंस्ड है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको पूरा समझाया था आर्टिकल के अंदर जब भी आया था सीड बिल वाला, तीन चार दिन पहले तो पूरा मैंने डिटेल में आपको समझाया था, तो वहाँ आप उसको जरूर से देख लें क्योंकि बहुत लंबा आई है। तो ये फार्मर्स के फेवर की बात करता था और कंपनीज के फेवर की भी बात करता है ये एक्ट, तो इसमें इसको लाया गया था इस वैरायटी को। लेकिन अब जो है ये केस जब इन्होंने कर दिया और करोड़ों का केस किया कुछ किसानों के ऊपर, तो बड़ा मुद्दा इसमें उठ गया, 4.2 करोड़ का जो है चार फार्मर्स के ऊपर इन्होंने केस कर दिया कि भाई इन्होंने कैसे स्टोर किया और कैसे इसको रीसो कर लिया। अभी हुआ ये कि जब बड़े इसमें प्रोटेस्ट हुए और इस कंपनी के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उसके प्रोडक्ट्स को जो है पूरा बॉयकॉट करने की बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मुद्दा बड़ा ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि वही बात है, कंपनीज पैसा खिला सकती हैं और मुद्दों को दबा सकती हैं, मीडिया से गायब करवा सकती हैं, ऐसा हुआ भी। और इसमें लास्ट में बात ये हुई कि
कंपनी बोल क्या रही है, सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने ये बोला कि जो PPVFR जो एक्ट है इसका जो ड्राफ्ट है इसके अंदर जो FAQs दे रखे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं SMF, ठीक है, जिसके जिनके पास में 2 एकड़ से कम की जमीन होती है, सब जो होते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, उन्हीं को ये राइट होगा कि वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बीज वगैरह को स्टोर कर सकते हैं और अपना आगे उससे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। स्मॉल स्केल के यूज़ के लिए ही बस ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है, कॉमर्शियल के लिए अवेलेबल नहीं है, ये बात उन्होंने फैक्ट में लिख रखी है। तो ये चीज़ कंपनी के फेवर में चली गई है, कंपनियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं, ये सब देख लेती हैं कहाँ पर फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो इसके अकॉर्डिंग तो फार्मर्स को राइट नहीं था, लेकिन वैसे चीज़ लेजिटिमेट नहीं है क्योंकि ये चीज़ जो है वो वैग होती है, इतना क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं है तो फिर फ़ायदा उठाया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई फ़ायदा उठाना होता है, कोई करप्शन करना होता है, तो चीज़ों को वैग या अनक्लियर छोड़ देते हैं, तो वो इसको छोड़ा गया था इसके इन FAQs के अंदर। अभी उस डॉक्यूमेंट को ये साइट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है, जो फार्मर्स की बॉडी ने बोला है कि ये जो FAQs जो हैं डॉक्यूमेंट जो है इसको रिवाइज किया जाएगा और इसके लिए पर्टिकुलर जो है एक जो है कमेटी बनाई जाएगी। और उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट जो है इस एक्ट के रिलेशन में जो है उसको चेंज किया जाएगा और ये जो फार्मर्स के अगेंस्ट में जो बात चली गई है इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर वो आगे नहीं होगी। यही सारी बात है, अब किसान करोड़ों रुपए कहाँ से देंगे, और इतना बड़ा इशू ये था कि पहले कंपनीज के साथ में इनका पैक था और वो इनको देती थी बीज वगैरह और ये प्रोड्यूस करते थे और फिर कंपनी इनको वापस से ले लेती थी, तो ये स्पेसिफिक टाइप का एक हो गया। लेकिन इसमें किसान जो है उसका कोई बड़ा फायदा इंडिया में नहीं होता, इंडिया का किसान अमेरिकन किसान की तरह नहीं होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल साफ है, लेकिन इन्होंने इसका इशू बनाया और ये केस कर दिया, तो अब ये बात सारी चल पड़ी है। तो ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर जो अनक्लियर चीज़ें हैं उनको सही किया जाए और ये जो रजिस्टर्ड वैराइटीज़ के इश्यूज़ हैं इसको भी सही से हैंडल किया जाए। क्यों सही से का मतलब क्या है, सही से का मतलब ये है कि भाई इनके IPR और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहें, ऐसा नहीं हो कि उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, वो भी ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फार्मर्स का राइट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें देखिए, मैंने आज आपको क्वेश्चन भी दिया है दोबारा से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रेलिवेंट क्वेश्चन था, तो वो मैंने आपको दिया है कि एक तो ये एक्ट है और एक दो बात और हैं, CBD है और एक और इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये दोनों तो फार्मर्स के राइट्स की बात करती हैं, एक ये जो ऐसे ही एक प्रोटेक्शन ऑफ वैराइटीज़ जो है UPVFO क्या है उसका नाम है, जो उस दिन आर्टिकल में हमने किया था और क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है लास्ट में, वो और ट्रिप्स एग्रीमेंट जो WTO का, वो दोनों कंपनीज के IPR के प्रोटेक्शन की बात करती हैं। CBD और जो ये ट्रीटी है दूसरी वाली IBPS जो है ये फार्मर्स के राइट की बात करती है। तो ये बैलेंस दोनों का इस एक्ट में था, लेकिन इस एक्ट के अंदर भी जो FAQs का जो डॉक्यूमेंट है वो किसानों के अगेंस्ट चला गया और PepsiCo FL 2017 का जो इशू है वो अभी चल रहा है। तो अभी इन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट हम चेंज करेंगे और अभी तक इसको क्यों नहीं किया गया उसका कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जो है कर देंगे। और ये वैरायटी जो थी 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर और इसी एक्ट के अंदर 16 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई थी, तो ये रजिस्टर्ड है वैसे तो, लेकिन कंपनी ये कह रहे हैं कि ये छोटे और स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए ही है ये प्रोटेक्शन अवेलेबल, बड़ों के लिए नहीं होगा। ये सारा इशू है। तो ये GS Paper 2 और 3 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है जो वर्चुअल दुनिया सारी है जिसको आधा टाइम हम उसी पे बिता रहे हैं और एक तरह से एक अलग तरह की रियलिटी बनती जा रही है कि अधिकतर जब इंसान इसी पे चीज़ पे टाइम गुजार रहा है तो सोसाइटी क्या इसके ऊपर जो भी कुछ है उसको क्या एक रियलिटी की तरह माना जाए। ये कहने का मतलब ये है कि इतना इंपॉर्टेंट इशू हो चुका है सोशल मीडिया इंटरनेट का प्लेटफॉर्म इसके ऊपर कि कोई भी बड़ी हैपनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है, आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है। यहाँ पर कुछ कंपनीज जो हैं उनके एक तरह से मोनोपोली जैसी है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, इनकी मोनोपोली जैसी है, सारा कंट्रोल कर रहे हैं और दुनिया सारा यूज़ कर रही है इसको। 3.5 बिलियन लोग जो हैं वो इंटरनेट एक्सेस किया उन्होंने 2015 के अंदर, 3.5 बिलियन मतलब कि आधी दुनिया ने, 3 मिलियन फोटोग्राफ्स जो हैं वो पर डे अपलोड हो रहे हैं और इंडिया में तो शायद ये 3 मिलियन में से तो 2.5 मिलियन तो इंडिया में होते होंगे शायद, है ना, और 510 कमेंट पर मिनट आ रहे हैं और 2,93,000 स्टेटस जो हैं वो स्टेटस पोस्ट हो रहे हैं पर मिनट। तो ये आग लगी हुई दुनिया के अंदर इस वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर,
इतना ज़्यादा इस पर कमिटमेंट है दुनिया का। तो इशू यह है कि ये कंपनीज मान लीजिए कोई चीज़ को कोई पोस्ट को अप्रूव करने लग जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं दुनिया कहाँ कहाँ से क्या क्या पोस्ट कर रही है, कोई कुछ क्या लिख रहा है, कोई बड़ी सेंसिटिव इशू होता है, कोई वायरल होता है, कोई कुछ उसका जो है कंप्लेंट होता है तो ज़रूर इसमें लिया जाता है। वैसे एक ऑटोमेटेड एप्लीकेशन सिस्टम है और उसके हिसाब से अपने आप पोस्ट आ जाती है। तो कोई एप्लीकेशन नहीं होती है कि कोई रिक्वेस्ट करेगा फिर भी अप्रूव होगी। आप डालते हो फेसबुक के, आप एंटर दबाते हो तो वो पोस्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इन कंपनीज़ के ऊपर कुछ केसेस आए, जैसे कि कुछ फॉल्स पोस्ट वगैरह लिंक वगैरह शेयर हुई तो इन पे केस किया। विशाखा इंडस्ट्रीज़ एक है और उसने केस किया था कि 2008 के अंदर गूगल इंडिया पे किया और बैन एस्बेस्टोस इंडिया नाम का एक कैंपेन चला उस पे किया। उन्होंने बोला कि डिफेमेटरी था ये, हमको बदनाम किया गया इन सब के थ्रू, तो इसमें इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनके प्लेटफॉर्म पे ये सब कुछ हुआ। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हमारा सिस्टम है, हम क्यों इसमें वो लें, ये चीज़ चल रही है, किसी और ने पोस्ट किया, हमने तो किया नहीं, ये बड़ा प्लेटफॉर्म ने प्रोवाइड करवाया है तो दुनिया इसको यूज़ कर रही है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। बात एक हद तक सही भी है, लेकिन एक बात ये भी है कि भाई ये है इसीलिए इसका मिसयूज़ भी होता है, तो उसके लिए भी इनको कुछ करना ही पड़ेगा। जब इतना दुनिया को एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं और इतना अथॉरिटी, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना सब कुछ है, तो इनको उसका भी कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा। और बहुत चीज़ें इनके नॉन भी होती है और इनका कंडक्ट भी सस्पिशियस होता है, जैसे कि यूएस इलेक्शंस का मुद्दा आया तो वहां जवाब भी देना पड़ा जुकरबर्ग को। तो एक इंडिया में एक इशू सेटल हुआ और 27 अक्टूबर को पार्लियामेंट ने अमेंड किया आईटी एक्ट 2000 का और सेक्शन 79 उसमें था इस एक्ट के अंदर। उसमें यह कहा गया कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो डेटा जो कोई कम्युनिकेशन लिंक जो है उसके लिए ये जो इंटरमीडियरीज हैं, ये गूगल फेसबुक ये इंटरमीडियरीज कहलाते हैं, ये जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन ये जो मुद्दा है ये 2008 का है, इसका ये कोर्ट में गए हुए हैं। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि 2009 से पहले जो भी कुछ हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, तो उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ये एक बड़ा झटका कंपनी को लग सकता है, ये जो गूगल प्लेटफॉर्म इन सब को जो है, सुप्रीम कोर्ट का झटका है। उन्होंने कहा कि 2009 27 अक्टूबर से पहले का जो इशू है उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, आगे नहीं बनेगी, ठीक है हमने बोल दिया है उसमें, लेकिन बनेगी। तो ये एक इशू है और उस टाइम पर ये जो आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग ये ऑफेंस जो होते थे रजिस्टर, उसके अंदर इसमें कार्रवाई हो सकती है। तो अब ये बात है, अब देखिए एक नया एक सिस्टम है दुनिया के अंदर, इसको कैसे डील करना है, उसके ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती आ रही हैं और हमें देखना होगा, वेट करना होगा। सारे दुनिया को इसमें पेशेंस चाहिए इस ट्रांजिशन फेज़ के अंदर, हम तो उल्टा और ब्लाइंड होते जा रहे हैं, पूरा पागल ही हो गए इंडिया के अंदर। जैसे एग्जांपल कुछ लें टिकटॉक वगैरह के, तो ऐसा लग रहा है कि आइकन है हम कोई चीज़ के अंदर और हमें कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, वो नहीं है, जबकि कुछ और ही चीज़ों में इतने एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। तो चीज़ें बहुत ही गजब की हैं और इम्पोर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं लेकिन प्रॉब्लमेटिक भी हैं। इन सब चीज़ों में डिस्क्रिशन, नॉलेज, लॉजिक, रैशनल, ये बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पावर्स हैं और इन पावर्स का मिसयूज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी एक ट्रूथ है। तो एक रेगुलेशन भी ज़रूरी है, लेजिस्लेटिव जो बेसिस है वो भी चीज़ों का ज़रूरी है, पॉलिसीज़ भी ज़रूरी है और सबसे बड़ा ज़रूरी है लोगों का एथिकल कंडक्ट। लोग किसी को भी बदनाम कर देते हैं, किसी को भी कुछ भी लिख देते हैं और ये एक सबसे घटिया तरीका भी है। कोई कुछ भी किसी को बदनाम कर दिया, कोई एजेंडा चला दिया, आप किसी के सामने तो बोलने की हिम्मत रखते नहीं हो, कहीं आप बोल नहीं सकते हो, ऐसे तो किसी को कुछ अधिकार है नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है। लेकिन बोल के तो निकल गया और वो लोगों ने पढ़ भी लिया तो इसका फ़र्क तो पड़ता है, वैसे भी इमेज तो ख़राब होती ही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए एक नया तरीके का चैलेंज है दुनिया के अंदर, उस हिसाब से हमें डील करना होगा। इसलिए हमें और स्लो इसमें समझ रखनी चाहिए, मतलब स्लो चलना चाहिए ताकि समझ अच्छी रहे, लेकिन हम और फास्ट इसमें चलते जा रहे हैं, ये भी एक अलग अलग तरीके का चैलेंज है इस दुनिया का। नेक्स्ट, अभी जो सीएबी की बात हो रही है उसके बड़े प्रोटेस्ट असम में चल रहे हैं और एक मुद्दा है कि जो एक तो शेड्यूल 6 में जो एमटीएम स्टेट्स हैं उनको एग्जाम करने की बात है और जो इनर लाइन परमिट जहां पर है, हमने बात की थी, क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इनर लाइन परमिट वाला, उनको एग्जाम किया गया। इसमें नागालैंड में आईएलपी था, नागालैंड में, लेकिन एक दीमापुर नाम का एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि एक जो इनका इंडस्ट्रियल हब भी है एक तरह से, और उस एरिया के अंदर आईएलपी नहीं लगता था लेकिन अब वहाँ पर भी एक्सटेंड कर दिया गया है। वहाँ पर नागालैंड गवर्नमेंट ने अभी एक रेजोल्यूशन निकाला है और उस गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर
नोटिफिकेशन के बाद में वहाँ पर भी आईएलपी लागू होगा। आईएलपी होता है एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, अगर कोई भी बाहर का इंसान जाना चाहता है वहाँ पर, या फिर नॉन वहाँ का जो इंडिजिनस पर्सन है, तो वो उसको ये आईएलपी लेना पड़ेगा वहाँ विजिट करने के लिए। तो कोई बाहर का इंसान वहाँ पर ना तो ऐसे ही रह सकता है, नहीं वहाँ पर कोई ऐसे ही ट्रैवल कर सकता है, ये एक इशू है। अब बात तो कॉन्ट्रोवर्शियल ये भी है, जहाँ पर हम बात कई तरह की करते हैं देश में यूनिटी के, देश में एक्सक्लूसिवनेस की, तो ये तो बड़ी एक्सक्लूसिवनेस जो है वो कई स्टेट्स को मिली हुई है, लेकिन एरिया बहुत सेंसिटिव है नॉर्थ ईस्ट का सारा ही, और पास्ट बड़ा ही ब्रूटल रहा है, इसलिए हम इसमें संभल के चलते हैं, बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। हालांकि मीडिया में चीज़ें नहीं आती हैं और जो भड़की हुई जनता देश की है वो इतना सब कुछ नहीं जानती है, लेकिन ये सिस्टम है। और जो एक्ट है, जो ईस्टर्न जो एरियाज थे इधर नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, वहाँ पर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेज इसमें एक्ट लेके आए थे 1873 में, उसके अकॉर्डिंग आईएलपी सिस्टम चलता है, तो डिटेल मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर यह बोला गया है दीमापुर के अंदर कि 21 नवंबर 1979 के बाद में से जो लोग आए हैं उनको ये देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कोई भी अगर मांगता है तो, और ये लेना उनके लिए कंपलसरी है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो सर्टिफिकेट देगा, और या तो एग्जेम्पशन देगा या फिर परमिट जो सिस्टम के लिए उसमें आगे डायरेक्शन होंगे, और वो परमिट लेना ही पड़ेगा उनको। तो जहाँ जहाँ पर आईएलपी, अब नागालैंड पूरा मणिपुर में कर दिया गया है, मणिपुर में भी अलाउ होगा आईएलपी सिस्टम अभी, जो पहले नहीं था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज, यहाँ पर अब आईएलपी है, और वहाँ पर सीएबी लागू नहीं होगा, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो सीएबी अब किसका मुद्दा रह गया है, असम के कुछ पार्ट्स में और त्रिपुरा के कुछ पार्ट्स में, वहाँ पर रह गया है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, बाकी कहीं पर भी सीएबी लागू नहीं होगा, बाकी देश में होने वाला है। तो इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरह से एक अजीब सिचुएशन बनाते हैं, जो कि बड़े क्वेश्चन खड़ी करती है कि जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है लाने का, और जो उसका एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं, उसमें बड़े क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि जहाँ मर्जी आती वहाँ मर्जी है, वहाँ जहाँ पर कंडीशंस है, जहाँ पर कुछ भी है, वहाँ पर अकॉर्डिंगली चेंजेस किए गए हैं, फिर हम कैसे इतना सेंसिटिव इशू और इतना नेसेसरी नहीं होने के बावजूद भी देश के अंदर कैसे उसकी बात कर रहे हैं, और जहाँ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पूरी ही खतरे में है, क्योंकि वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है पूरा क्लियरली है, और इसमें कोई भी एक्सपर्ट उसको लेजिटिमेट नहीं ठहरा सकता है। वो अलग इशू है कि जो एक एलिगेशन है कि हिंदू राष्ट्र एस्टेब्लिश करने की जो एक इच्छा है कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के इंडिया के अंदर, उसके तहत ये काम किया गया है, उस आर्ग्यूमेंट के फेवर में बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, ये जो बड़े क्वेश्चंस जो खड़े हुए हैं वो हैं। तो उस आर्टिकल की भी हम बात करेंगे जो पहले डिस्कस हम कर भी चुके हैं, और उसमें दिक्कत क्या है, उसका कनेक्शन भी इससे यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो आईएलपीज वगैरह होंगे तो इनको तो एक्सक्लूसिवनेस मिल जाएगी, लेकिन प्रोटेस्ट असम में किसके चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भाई असम अकॉर्ड 1985 का था, उसके अकॉर्डिंग 1971 मार्च 24 1971 के बाद से जो भी आया असम में उसका जो है उसको डिटेक्ट किया जाएगा और उसको डिपोर्ट किया जाएगा, ये असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन अब जो सीएबी है उसके अंदर डेट क्या आ गई है, 31 दिसंबर और 2014, इसके पहले तक जो आए हैं उनको अलाउ किया जाएगा जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो एक तो रिलीजियस एंगल है, दूसरा इसके कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है ये, क्योंकि इसमें तो रेट 24 मार्च 1971 की है और इसमें 2014 तक की दे दी गई है, तो मतलब 71 से 14 तक वाले नॉन मुस्लिम्स इसमें अलाउ हो जाएंगे। तो ये बात जो है वो अगेंस्ट हो गई, इसलिए इसके बड़े प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं और बड़ा मुद्दा ये हो गया है। तो पॉलिटिकल टर्मोइल भी है बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज भी है सारा का सारा। अल्टीमेटली हो क्या रहा, अल्टीमेटली हो ये रहा कि हो सकता है कोर्ट इसको कैंसिल कर दे और हो सकता है इसको विड्रॉ करना पड़े, या फिर कुछ भी इसके अंदर हो, चैलेंज बहुत सारे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाएगा ये भी कहना है कुछ पार्टीज का, ऑब्वियसली ओपोजिशन का कहना है ये। लेकिन डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं हमारे देश में, इकोनॉमी का स्लोडाउन जो है, आज उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, आप सोचिए उसकी कोई बात ही नहीं चल रही, सारा मुद्दा गायब हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन खड़ा होता है क्या ये इतना नेसेसरी था, और क्या ये किसी और तरीके से अल्टरनेट तरीके से हो सकता था शांति से, इसको क्या इतना कंट्रोवर्शियल बनाना जरूरी था। लेकिन अब जो है मीडिया में देखिए सब कुछ गायब हो गया, बस इसी की बात हो रही है, जैसे कुछ और मुद्दा ही नहीं है इस देश के अंदर। तो ये नेक्स्ट ब्रेग्जिट बन गया एक तरह से इंडिया का, और उसमें रिलीजन का भी इशू हो गया है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत ही दिक्कत वाले होने वाले हैं सोशली और पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेशन वाइज भी, क्योंकि इसमें मुद्दा जो प्रायोरिटी का जो है देश के अंदर डिस्कशन का मुद्दा जो है वो कुछ और बन गया है, जो कि इतना नेसेसरी नहीं है, और जो सबसे नेसेसरी मुद्दे हैं तो जॉब्स के हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो सारा साइडलाइन एक तरह से हो गया है।
अब जब कोई अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए फॉर्मल आंसर दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो जिस तरीके से देश के अंदर चीज़ें आगे डिफाइन होती है, डेवलप होती है, उस पॉपुलर तरीके का जो अगर डिस्कशन करें, मीडिया की बात करें, जो प्रेशर डालने की जो बात होती है हमेशा, वो जो करें, तो वो चीज़ें बिल्कुल गायब हो गई हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ये इसमें देखिए सारा दे रखा है, सिर्फ त्रिपुरा और असम के कुछ एरियाज के अंदर ये लागू होगा, बाकी सब जगह सीएबी लागू नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इनको, लेकिन असम में जहां जहां पर ये लागू होगा वहां पर ही असम अकॉर्ड के अगेंस्ट में भी आ गया है सीएबी की जो बात है। तो ये मुद्दा है। एक और कॉन्ट्रोवर्शियल बात जो डिस्कस हुई थी, फिर इसमें कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, लेकिन ओवरऑल उसका एंड ये हुआ है कि जो मुस्लिम जो असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान संस्कृत के लिए और एज ए फैकल्टी वहां पर चुने गए थे पूरा प्रोसेस के थ्रू, अब उन्होंने वहां से जो है विड्रॉ कर लिया है और वो दूसरी फैकल्टी के अंदर स्विच कर लिया उन्होंने अपने आप को। तो ये आउट ऑफ प्रेशर हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये बात वही रह गई या फेल लास्ट में कि प्रेशर जो पब्लिकली आ रहा है उसके हिसाब से बहुत कुछ इस देश के अंदर डिसाइड हो रहा है। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अब बात सबसे बड़ी आ जाती है कि डिस्कस क्या होता है, किस तरह का प्रेशर इस देश में आता है, वो कितना मोरल है, कितना लेजिटिमेट है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है और जीएस पेपर वन के लिए और जीएस पेपर फोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज खड़े हो गए इस देश के अंदर, जो कि पहले नहीं थे। हमारे देश में इस तरह की चीजें पहले नहीं देखी गई थी, और देखी भी गई थी तो उसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था, प्रेशर नहीं बना था, जो कि इंपॉर्टेंट इश्यूज को साइडलाइन करता है और कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करता है, लोगों के अंदर आर्ग्यूमेंट्स का डिवीजन करता है बहुत ज्यादा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इस सोशल मीडिया के एज के अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हैं, जो देश की प्रोग्रेस के अगेंस्ट हो जाते हैं इन दी एंड। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। तो ये संस्कृत डिपार्टमेंट में ये नहीं कंटिन्यू कर पाए, ये चीज सामने आ गई है। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। वाडा जो इंपॉर्टेंट एजेंसी है, एंटी डोपिंग एजेंसी, जो एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है इन सारे डोपिंग वाले केसेस को देखने के लिए, वो एक रेगुलेटर भी है और एक बड़ा डिसीजन आया है रशिया के अगेंस्ट में। देखिए बात चल रही है 2014 के विंटर ओलंपिक्स से ही, जो सोची में हुए थे, तब इसे एक इल्ज़ाम लगा था कि वहाँ के जो इंटेलिजेंस के जो सर्विस के जो लोग हैं रशिया के, उन्होंने कुछ यूरिन सैंपल्स को चेंज कर दिया। जो सैंपल्स वहाँ पर एक्चुअल में लिए गए थे एथलीट्स के, उनमें डोप टेंटेड थे वो, मतलब कि उनके अंदर वो दवाइयाँ थी सैंपल्स में, लेकिन उनको क्लीन जो सैंपल्स थे उनसे रिप्लेस कर दिया गया। तो मतलब सैंपल में फिर वो पकड़े नहीं गए, लेकिन ये बात बाद में खुलती है और 2018 में एक रेजोल्यूशन जो है उस केस के रिगार्डिंग आता है और रिलक्टेंटली रशिया को अग्री करना पड़ता है इस डेटाबेस को ओपन करने के लिए, जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी उसने क्रिएट की। ये बात हुई। अभी जो है रशिया को हार्श पनिशमेंट एक यहां पर दी गई है, उन्होंने रशिया को बैन कर दिया है ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट से 4 साल के पीरियड के लिए। बहुत ही बड़ा क्राइसिस होगा रशिया के लिए, और जैसा इसमें बोल रहे हैं कि कुछ एथलीट चीट करते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियल सैंक्शन के थ्रू ऐसा हो, मतलब देश खुद करवाता है, तो ये एक एपिक क्राइसिस है, और सही में ही है। देखिए ये जो एंटी डोपिंग वॉच डॉग है वाडा, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ये रशिया को हर्ट करेगा बड़ी तरीके से, क्योंकि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं वहां पर बैन होंगे, बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होंगे 2022 में वहां पर बैन होंगे, और दूसरा 2014 में सॉरी जो 2022 में जो कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा वहां पर भी ये बैन होंगे। तो ये हाई प्रोफाइल जितने भी ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट है वहां पर अगर नहीं करने दिया जाता है, तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। इतने सालों से तैयारी करते हैं एथलीट्स और उसके बाद में चीज निकल के आती है, तो ये बड़ा मुद्दा है। तो ये एक बड़ा करप्शन है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का, और ऐसा करना बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ी थी रशिया की। इसमें सच्चाई अगर है इस क्लेम में, तो बहुत ही एम्बेरेसिंग बात ये है। अब ये कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोवर्सी है कि इनका जो पनिशमेंट दिया वो काफ़ी हार्श लग रहा है, स्टिफ लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इतना स्ट्रिक्टली डील नहीं किया गया पास्ट में भी। रशिया ने जो है हिस्सा लिया कहाँ पर, वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप एक तो होस्ट करवाई खुद ने सोची में, जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था जिसके अंदर ये सारे कंट्रोवर्सी हुई थी ओलंपिक्स वाली, वो इन्होंने करवाए थे। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो भी हुआ वहां पर हुआ, और स्विमिंग इवेंट जो है 2025 में जो होगा उसके लिए भी उसको होस्ट करने दिया जा रहा है। तो इसका मतलब अभी भी
एकदम से पूरा कंप्लीट आइसोलेशन नहीं किया गया है। तो अब एक प्रेशर बड़ा ये भी है कि पूरा एक्सपेल कीजिए, लेकिन फिर भी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत ही एक थिन लाइन हो गई है जहां पर आईओसी और वाडा जो है इनको बहुत ध्यान से डील करना पड़ेगा, क्योंकि दो तरह के अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक तरफ तो ये है कि रशिया को पनिश भी करना है इस सारे गलत एक्ट के लिए, इस मिस डिमिनर के लिए, और जो एथलीट्स हैं जो सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ऐसा डोपिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लिए जस्टिस भी वहां पर हो, क्योंकि रशिया में सबको बैन कर दिया गया है, सारे ही तो डोपर्स नहीं है। इसलिए ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और यूनिक है, तो इसका फ़ायदा ऐसा कोई भी देश ना उठाए और इसका पूरा पनिशमेंट जो है उनको मिले भी, लेकिन कोई इनजस्टिस भी नहीं हो, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चार्जेस जो हैं वो साइंस से रिलेटेड भी हैं। अब बात करते हैं सदन फरासत की। देखिए, इशू हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं वो आपको नोट डाउन करने ज़रूरी हैं। इशू वही जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी इशूज़ के लिए भी, और 4 के लिए भी बहुत आइडियल सिचुएशन है जहां पर केस स्टडीज बनेंगी। देखिए, कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 जो है उसके अंदर भी जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान की टेरिटरी से आए थे उनको सिटीजनशिप दी गई थी। तो ये सारी बात जो एग्जांपल्स यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे इन्होंने ये दिया आर्टिकल 6 वाला, ये सारा उस चीज़ को काउंटर करता है कि जो अमित शाह जी ने जितने भी आर्गूमेंट पार्लियामेंट में दिए हैं और जिसके ऊपर बहुत कुछ देखिए वो स्टार्ट चीज़ें हो भी गई हैं, जहाँ पर आईटी से भी काम कर रहा है, बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो कुछ अगेंस्ट पे बात कर रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये ऐसा है, कुछ ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही तगड़ा भाषण था और धो दिया, ये सब कुछ कर दिया, वो सब कुछ जो बातें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। इन सब चीज़ों के प्रैक्टिकल प्रेशर के चलते हुए हमें हमेशा फैक्ट्स के ऊपर ही बात करनी पड़ेगी, तभी हेल्प मिलेगी। अब फैक्ट ये है कि 6 के अंदर पाकिस्तान की टेरिटरी से आए हुए सब तरह के माइग्रेंट्स को यहाँ पर दिया गया था सिटीजनशिप राइट, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा नहीं था, तो वो कभी रहा नहीं है। दूसरी बात, पार्लियामेंट को पावर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि वो सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन के लिए बना सकते हैं प्रोविजंस। सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसके लिए आया था और अभी अमेंडमेंट की बात है। अभी देख लिए, इसी के हिसाब से ये अमेंडमेंट बिल 2019 लाया जा रहा है और इसी पर्टिकुलर 1955 के एक्ट को ही अमेंड करता है, तो ये बात कैपेसिटी में है इनके। ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, सेकुलर जो देश हमारा है, वो सेकुलर का रहने नहीं दिया जाएगा या फिर उसमें बिलीव करते ही नहीं है बिल्कुल भी हम, ये एक बड़ी बात आ गई है। अब डिस्कशन वो नहीं रहा कि भाई कोई चीज़ें इनडायरेक्टली हो रही हैं, अभी तो ये डायरेक्टली बात आ गई है। ये सबसे पहले ऐसा एक बड़ा सिचुएशन जहाँ पर आई है जहाँ पर डायरेक्टली और जो एलिगेशन इनडायरेक्टली लगता रहा है रूलिंग पार्टी के ऊपर वो डायरेक्टली अब हो गया, क्योंकि इसमें सीधी सी बात हो रही है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की, कि भाई प्रोसिक्यूशन हो रहा है रिलीजियस। तो सबसे एक आर्ग्यूमेंट तो शुरुआत में ये आता है जो कि पार्लियामेंट में उठाया गया कि भाई आपने क्या दूसरे देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से एक चीज़ डिस्कस की है कि आप एक तरह से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का, जो कि एक रियलिटी तो है लेकिन ये एक एलिगेशन भी हो गया उन देशों के ऊपर, इसका मतलब ये ओपन एलिगेशन हो गया कि उन देशों के अंदर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाए तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो एक्सेप्ट करना ये एक अलग बात है, तो ये एक बड़ा एलिगेशन तो हो गया। तो रिलेशंस के बीच की बात भी यहाँ पर आ जाती है, कल को मान लीजिए शेख हसीना इसको नकार दे कि भाई ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन यहाँ पर नहीं होता है और ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, प्रोग्रेस वहाँ पर हो ही रही है और बहुत स्थिति बेहतर हो गई है बांग्लादेश के अंदर, पहले जैसे इकोनॉमिक माइग्रेंट जो होते हैं वो अभी इतने नहीं आते हैं, तो ये चीज़ देखते हुए उसको नकार दें, इंटरनेशनली इस चीज़ की कंप्लेंट करें कि भाई इंडिया इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट इसमें दिया गया है। दूसरा, ये जो कंट्रीज के अंदर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की जो बात है, तो इसका मतलब रिलीजन ही हम बेसिस बना रहे हैं कि हम वहां के माइनॉरिटीज को यहां पर अलाउ करेंगे, यहां पर हम सारे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को या फिर प्रोसिक्यूटेड लोगों को बचाने का एक हवाला, जैसे मान लीजिए बड़े देश के नाते देना चाहिए, जिसकी बात ये बोली जा रही है कि बड़ा देश है हम, तो वो देना चाहिए, लेकिन वो ना देकर इसमें बड़ा स्मार्टली जो वर्ड्स हैं वो चूज किए गए हैं, उसमें यह बोला गया है कि ये जो हैं सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदूज हैं, ये सब इनके साथ में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए हम इनको अलाउ करेंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इनके लिए हम 11 साल को 5 साल कर देंगे जो नेचुरलाइजेशन का जो इशू है उसको, और ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, तो रिलीजन का नाम हम ओपनली ले रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, हो चाहे वो दूसरे देश के अंदर हों, लेकिन उसी रिलीजन के बेसिस के ऊपर ही तो
हम इनको अलाउ कर रहे हैं, तो ये चीज सारी सेकुलरिज्म के अगेंस्ट चली गई कि धर्म का नाम हम कैसे ले सकते हैं, यहां पर नहीं लिया गया कभी भी। और दूसरी बात, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज का जो बेसिस बनाया गया है, क्लब किया गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को, जबकि भूटान भी हमारे पास ही है। बात तिब्बत के रिगार्डिंग भी कुछ पॉलिटिशियंस ने उठाई थी, वो भी कंट्रोवर्शियल है। ऐसे ही बात जो है म्यांमार के रिगार्डिंग भी उठी है, अभी इतना बड़ा इशू चल भी रहा है जहां पर जो आंग सान सू की जो है वो म्यांमार का स्टैंड जो है उसको बचाने में लगी हुई है। आर्ग्यूमेंट्स उनके अगेंस्ट में बहुत सारे हैं इंटरनेशनली, जहां पर भी बोला गया है कि उन्होंने सीधा अटैक किया है और वहां पर बच्चों की जो है किलिंग हुई है, चाकू से घर में घुस घुस के मारा गया, ये सारे फैक्ट्स हैं, रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं सारे। तो वहां पर भी परसिक्यूशन हुआ और रिलीजन के बेसिस के ऊपर ही हुआ है, लेकिन वो मुस्लिम्स हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं और वो स्टेटलेस हो गए, तो वो भी शरणार्थी की तरह आए। तो इसका मतलब हम जब परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हम उन पर दया दिखाते हैं, जो कि दिखानी चाहिए, बड़े देश को दिखानी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो जो रोहिंग्यास को अगर हम कंपेयर करें तो वो तो कहीं ज्यादा उनसे दुखी हैं, कहीं ज्यादा परसिक्यूटेड हैं, एविडेंटली हैं, और वो सारी दुनिया ने उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट हुआ है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जो हैं वो भी अपेरेंटली हम जानते हैं, लेकिन वो हमारी सारी रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनली रोहिंग्या जितना वो मुद्दा नहीं एविडेंट हुआ। तो क्या इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, फिर जब वो परसिक्यूटेड है ही म्यांमार वाले, इसका मतलब हम उनकी तरफ तो आंखें बंद कर रहे हैं, हम उनको एक तरह से परसिक्यूटेड नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि म्यांमार को क्यों नहीं इंक्लूड किया फिर हमने, अगर हम उनको कर रहे हैं तो, क्योंकि परसिक्यूटेड तो वहीं पर भी हैं और वो लोग आए भी थे इंडिया के अंदर और अभी हैं भी, और उनको तो इस देश के अंदर मूवमेंट चलाकर आतंकवादी बोल दिया गया सबको, और अभी जो है इनको हम सबको एक तरह से बोल रहे हैं कि जिसको इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये परसिक्यूटेड हैं, बेचारे हैं, तो इनको बेचारे बोल रहे हैं, उनको अपने आतंकवादी बोल दिया, सिर्फ किस लिए, क्योंकि आइडेंटिटी मुस्लिम थी और यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो मुस्लिम नहीं होने वाली, क्योंकि हम मुस्लिम्स का नाम ही इसमें लिस्ट में से ड्रॉप कर रहे हैं और इंटेंशनली उन सबको इसमें अधिकार दिया गया। तो इसमें आर्ग्यूमेंट यह कि हम अधिकार दे रहे हैं, किसी का छीन नहीं रहे, तो ये कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन जहां पर पहले जो रोहिंग्यास को आतंकवादी का लेवल जो है वो दिया गया और बहुत वल्नरेबल बताया गया, खतरा बताया गया स्टेट के लिए, और सिर्फ क्या वो इसलिए था कि वो धर्म उनका मुस्लिम था, इसका मतलब क्या इनडायरेक्टली हम ये बताना चाह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म से ही और देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, इनसे क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज तो थी वो भी, क्योंकि म्यांमार में बुद्धिज्म को जो मानने वाले जो डोमिनेंट लोग हैं उनका वहां पर अत्याचार था, और यहां पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर अत्याचार है, और ये मुस्लिम देश है, ठीक है, तो इनको हम चूज कर रहे हैं, तीनों ही मुस्लिम देश हैं। भूटान की यहां पर एग्जांपल ले तो भूटान के अंदर जो है उसको एक्सक्लूड किया गया है, वहां पर वज्रयान बुद्धिज्म जो है वो एक स्टेट का डिक्लेयर्ड एक ऑफिशियल रिलीजन है, ऐसे ही इन देशों के अंदर मुस्लिम धर्म रिकॉग्नाइज है, लेकिन हम तो एक सेक्युलर देश है। तो अगर हम रिलीजन की बेसिस बनाते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करते हैं, तो भूटान में भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनकी हम बात नहीं करते हैं, तो हम स्पेसिफिकली इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल एविडेंट हो जाती है कि मुस्लिम धर्म का इसमें कहीं ना कहीं यूनिक जो है वो इशू है, इन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ है। ऐसे ही भूटान के अंदर क्रिश्चियन जो हैं वो अपने घरों में प्राइवेटली पूजा करते हैं, तो वो भी एक रिलीजियस माइनॉरिटी हो गए, और वो इंडिया में भी आते हैं चर्च में प्रे करने के लिए, ये भी एक ट्रूथ है। तो इंडिया में सेकुलर कंडीशंस पहले से हैं, लेकिन क्या ये सब जो चीज़ें हैं जो इस तरह के जो आ रहे इशू और इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट है, ये क्या इस सेकुलर फीचर के अगेंस्ट में नहीं चला जाएगा? देखिए इमेज कितनी अच्छी है कि वहाँ पर नहीं करने दिया जाता पूजा, लेकिन यहाँ पर चर्च में वो अपनी प्रे करने के लिए आते हैं इंडिया के अंदर, इसका मतलब इंडिया एक तरह से उस चीज़ के लिए कितना ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है कि यहाँ पर वो फ्रीडम है। लेकिन अब जो ये इश्यू रिलीजन वाला आ गया है, ये क्या डिविजन्स क्रिएट नहीं करेगा? क्या अपेरेंटली नहीं करे, लेकिन दिमाग में क्या ये चीज़ों के लोगों के नहीं जाएगी एक मानसिकता, और क्या उसका फिर फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अंदर ही अंदर अग्रेशन बढ़ता है, अंदर ही अंदर जो है वो एक कुंठा भरती है और वो फिर निकलती है कहीं ना कहीं, दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। अभी श्रीलंका में बात करें, जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी एक स्टेट है, वहां पर तमिल हिंदूज जो है वो भी परसिक्यूटेड है, उसके भी बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, एविडेंट हैं, उनकी बात फिर क्यों नहीं हमने की है? दूसरा बहुत बड़ा इशू, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि उठाया गया दयानिधि मारन के द्वारा, कि भाई एथिस्ट जो लोग हैं, जो लोग किसी भगवान को मानते ही नहीं है, वो भी तो माइनॉरिटीज हो गए ना एक तरह से, वो ए रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गए एक तरह से, तो उनकी बात बिल्कुल ही हमने मिस कैसे कर दी इस चीज़ के अंदर? उनको हम क्यों नहीं अलाउ करेंगे? क्या किसी धर्म मानने वाले को ही अलाउ हम करेंगे? हमारे देश के अंदर तो कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, तो फिर हम
उनको कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्या जो धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं उनको हम बेचारे नहीं मान रहे हैं, उनके साथ जो कोई परसिक्यूशन होता है तो क्या हम उसको नहीं एक तरह से कंपैशन की दृष्टि से देखेंगे, ये कैसे हो गया? तो क्या धर्म ही एक सब चीज इंपॉर्टेंट हो गई है? तो ये धर्म का मुद्दा ही इतना बड़ा क्यों लिया जा रहा है इस चीज के सेंटर में? क्या इशू है जो धर्म के नाम पर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है? क्या इसमें मुद्दा है और कितनी जरूरत है इस चीज की? बात एक एग्जांपल इन्होंने दिया है अहमदियास का, अहमदियास को मुस्लिम से नहीं मानते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एक ये अलग सेपरेट रिलीजन की तरह ट्रीट होते हैं, तो वो पाकिस्तान की अगर बात करें प्रैक्टिकली तो अहमदियास को वो स्टेटस ही नहीं है मुस्लिम्स वाला, लेकिन उनका यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, हम उनको वही उसी कैटेगरी में डाल रहे हैं जो मुस्लिम्स की कैटेगरी है, और वो तो क्रिश्चियंस और हिंदू से भी ज्यादा परसिक्यूटेड है वहां पर, उनके ऊपर तो अत्याचार इन सबसे कहीं ज्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन उनको हम यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 में सीधी बात है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होगा किसी को भी, और डिनाई नहीं कर सकते किसी बेसिस के ऊपर। यहां पर तो सीधा मुद्दा ही यह है कि हम किसी को, देखिए इसमें क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात, इसमें बात यह भी है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, यहां पर स्पेशल प्रिविलेज देने की बात है जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि उनको हेल्प की जा रही जो बिल्कुल करनी भी चाहिए हमें, लेकिन हम किसी को एक्सक्लूड भी कर रहे हैं, तो एक तरह से हम यहां पर डिवीजन तो क्रिएट कर ही रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देखें तो एक तरह से ये चीज इनडायरेक्टली और एक मैसेज देती है कि इसमें इंटेंशनली एथीस्ट को, अहमदियास को, मुस्लिम्स को, इनको एक्सक्लूड किया गया है, और हम मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज को ही चूज यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, एक इशू जो अफगानिस्तान के बॉर्डर का इसमें आया, अफगानिस्तान का बॉर्डर पहली बात तो उसमें जो बताया गया वो 120 किलोमीटर का नहीं, वो 80 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा है, और उसके ऊपर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये बात है, तो ऑफिशियली वो हमारी टेरिटरी है बिल्कुल है, और उसको हम बिल्कुल बताते हैं कि सबसे छोटी जो हमारी जो बॉर्डर जो लगता है अफगानिस्तान के साथ लगता है, लेकिन मुद्दा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ पर बहुत सारा है, वहाँ पर वो एरिया जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, तो ये भी एक बात क्लियर होनी चाहिए जो काफी इसमें कंफ्यूजन आया है बहुत बार। नेक्स्ट बात इसमें है जाफना एरिया की, जहां पर तमिल्स के ऊपर इतने अत्याचार का इश्यू है, तो वहां पर भी जो लोग इंडिया में वहां से आते हैं उनको इलीगल माइग्रेंट्स बोलते हैं, उनको सिटीजनशिप अप्लाई करने का कोई ऐसा अधिकार नहीं है, और उनके लिए कोई 11 से 5 नहीं किया गया है रिक्वायरमेंट ईयर्स का रहने वाला, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है इस सीएबी बिल को आर्बिट्रेरी बनाती है कि भाई मनमर्जी का है ये, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक इसमें मिसिंग है, और ये सिनिस्टर पॉलिटिकल लॉजिक के साथ में किया जा रहा है, ये सदन फरसद का कहना है, और ये कह रहे हैं कि इज द फर्स्ट डिज्यूर अटेम्प्ट टू मेक इंडिया हिंदू राष्ट्र। कि डिज्यूर और डिफैक्टो क्या होता है? डिफैक्टो मतलब प्रैक्टिकली, डिज्यूर मतलब कि ऑफिशियली, तो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली कोई चीज अगर हो बात की जाए तो ये एक ऑफिशियल अटेम्प्ट है पहला जो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने की बात है, तो जो एक पॉपुलर एलिगेशन लगता है कि ऐसा मोटिव है, और जो ग्रुप है कुछ इंडिया में वो ऐसा करना चाहते हैं, जिसकी बात ओपनली कई बार प्लेटफॉर्म से करते हैं, और ये एक मिसकोट भी किया जाता है कोई चीज़ को कि हमें हिंदू राष्ट्र, हम एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम एक सेकुलर देश है, और वो हमारा जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेंज नहीं हो सकता अमेंडमेंट के द्वारा भी, वो उसका हिस्सा है वो, इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था और ये इंपॉर्टेंट इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे हैं फैक्ट्स और इसके ऊपर ओपिनियंस अपने अपने हो सकते हैं। एक हाँ मैं भूल गया, तस्लीमा नसरीन वाला एग्जांपल, तस्लीमा नसरीन जो है वो बांग्लादेश का केस है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और उनको भी ये अमेंडमेंट का एक तरह से बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों? मुस्लिम है, और अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा और एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में बात बोली है, जो मुस्लिम धर्म का जो डोमिनेंस वहां पर है और बांग्लादेश के अंदर जितनी भी एट्रोसिटीज हुई हैं मुस्लिम लोगों के द्वारा, उन्हीं के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा उन्होंने बोला है, लेकिन उन तक को उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से हम रिलीजन को ही बेसिस हमने बना लिया है इसके अंदर, और ऐसे ही शियाज हैं पाकिस्तान में, वो भी एक डिफरेंट सेक्ट है इस्लाम धर्म का ही, लेकिन किसी को भी हम यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हैं उन प्रिविलेजेस के लिए जो हम नॉन मुस्लिम्स को दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात है, अब सारा इशू लास्ट में ये आता है कि हेल्प करना, उनके इश्यूज को देखना, और ये कंपैशन की दृष्टि से बड़े देश के नाते हेल्प करना बिल्कुल जायज है, सही है, लेकिन इसमें किसी को ड्रॉप आउट करना, और जिनके साथ में, बहुतों के साथ में हो भी रहा है और
वो शरणार्थी अगर आते हैं तो उनको नहीं ये प्रिविलेज मिलेगा, ये एक बात है जो कि बायसडेस है, और इंटरनेशनल जो कुछ कन्वेंशन है उसके भी ये चीज़ अगेंस्ट में है। तो यूएस के अंदर भी एक बात ये डिस्कस हो रही है, और यूएस का जो एक इंटरनेशनल एक इम्पोर्टेंट बॉडी है वो भी अब इस चीज़ के अंदर एलिगेशन लगा रही है और उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात बोल रही है कि भाई ये रेजोल्यूशन जो है इंटरनेशनली लाया जाएगा। तो ये आज का आर्टिकल था और ये क्वेश्चन मैंने आज आपको दिया, इसके बारे में आप बताना जो इशू हमने पेप्सिको कंपनी वाला देखा किसानों के रिगार्डिंग, ये उसके रिगार्डिंग है। तो थैंक्स अलॉट, कीप वॉचिंग, और आई एम सॉरी जो लेसन थोड़ा सा लेट था, और आपके कमेंट जरूर से दें। थैंक्स अलॉट।